हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मणी चौधरी और मैं आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे रैनुला के बारे में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको रैनुला के बारे में बताएंगे। रैनुला, जिसको मुंह की गठान, मुंह की गांठ भी कहा जाता है, तो आज की इस पूरे वीडियो में हम बताएंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे होती है, क्या इसके पीछे वजह है और क्या इसके लक्षण यानी इसकी वजह से क्या दिक्कतें देखने को मिलती हैं, कैसे इसकी जांच की जाती है और घर पे कुछ होम रेमेडीज हैं, घर पे कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं और कुछ बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन की भी हम जानकारी देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखना है। और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो जो होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम बताएंगे उन सभी दवाओं के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाते हैं। अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हैं तो हमने म्यूकोसील के ऊपर ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, म्यूकोसिस्ट के ऊपर। रैनुला एक ऐसा म्यूकोसील भी कह सकते हैं इसको, ये ऐसा सलाइवा से भरा हुआ ऐसा सिस्ट रहता है। देखिए, सिस्ट तभी भी वर्ड यूज होता है, सिस्ट का मतलब होता है पानी की भरी हुई छोटी सी कोई गांठ, सॉफ्ट स्वेलिंग हम इसको कह सकते हैं, यानी नरम सूजन। तो ये जो है आपका जीभ के नीचे, अंडर योर टंग, जीभ के नीचे ये जो है सलाइवा की थूक की बनी हुई जो छोटी सी गांठ हो सकती है ये, तो इसको हम रैनुला, यानी कि आपके फ्लोर ऑफ माउथ में अंडर योर टंग एक म्यूकोसाइवा फिल्ड एक सैक, जिसको हम रैनुला कहते हैं। ये कैसे बनती है, क्या इसके पीछे वजह है, कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है। देखिए, अगर हम बात करें, हमारा जो सलाइवा है, थूक है, स्पिट है, वो हमारी सलाइवरी ग्रंथियां, जो हमारी थूक बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं, वो जो है सलाइवा बनाती रहती हैं और नलियों से जो है, नलियां होती हैं डक्ट, उनके थ्रू जो है वो हमारे मुंह में आता रहता है, थूक बनता रहता है, आपने देखा होगा, और वो थूक हम निगलते रहते हैं, यानी हमारे मुंह से वो अंदर जाता रहता है, बनता रहता है, नमी बनाए रखता है थूक, और जो है वो अंदर भी जाता रहता है, बनता रहता है। तो ऐसे केस में कोई दिक्कत नहीं आती है। हमारी पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि, अगर हम बात करें, और सब लिंगुअल ग्लैंड, ये तीनों जो है पेयर्स में होती हैं और इनको हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, आपने सुना भी होगा, यानी थूक बनाने वाली ग्रंथियां। तो अब इनमें थूक बनता रहता है और मुंह में जाता रहता है और हम निगलते रहते हैं। जब आती है, जब इनकी जो नलियां होती हैं, डक्ट होती हैं, वो डैमेज हो जाए, यानी कोई नुकसान हो जाए उनका, तो थूक जो है वहां से जो है निकलता नहीं है और वो वहीं पे इकट्ठा हो जाता है। तो वो जहां पे भी इकट्ठा होगा वो जो है सिस्ट बना लेगा, यानी पानी से भरी हुई एक छोटी सी थैली या छोटी सी गांठ हम कह सकते हैं, वो वहां पे बना सकता है। और ज्यादातर इन ग्रंथियों में से जो है सब लिंगुअल ग्लैंड, यानी जो हमारी जीभ के नीचे वाली जो थूक बनाने वाली ग्रंथि है, वहां पे ये सबसे ज्यादातर देखा जाता है। तभी आपने देखा होगा आपकी जीभ के नीचे जो है ये छोटी सी गांठ मिलती है, क्योंकि वो जो ग्रंथि होती है थूक बना रही होती है और किसी वजह से वो डैमेज उसका हो जाए, उसमें चोट लग जाए या फिर किसी वजह से वो ब्लॉक हो जाए, तो वो थूक जो है वहां से निकल नहीं पाता है और वहीं पे जो है सलाइवा इकट्ठा होता रहता है और इस तरीके से वो साइज बढ़ता रहता है। हम रैनुला कहते हैं। क्या होता है, ये दो टाइप्स का होता है। एक सिंपल रैनुला होता है, यानी एक साधारण रैनुला होता है जो आपकी जीभ के नीचे बनता है और उतना ही रहता है। और देखिए, कई बार बहुत रेयर केसेस में देखा जाता है कि ये जो है अपने आप ठीक हो जाती है, वरना ये जो है धीरे, बहुत ही स्लो ये प्रोग्रेस करती है, यानी ये धीरे धीरे ज्यादा बड़ी होने में थोड़ा टाइम लेती है, ये काफी टाइम लगा देती है, और इस तरीके से कई बार किसी केसेस में रेयरली अपने आप ठीक हो जाती हैं, वरना ये इसी कंडीशन में रहती हैं। इसको हम सिंपल ग्रैनुला कहते हैं, यानी साधारण। अब आता है एक प्लंज, जो देखा होगा आपने, लटका हुआ रहता है, जिसमें गले में सूजन भी देखी होगी आपने, किसी केसेस में ऐसा भी देखा जाता है, यानी उसका साइज इतना बढ़ता जाता है कि वो जो है लटक भी जाता है, मुंह में अंदर की तरफ लटक जाता है, जिसको हम प्लंज ग्रैनुला कहते हैं। कि इसके क्या लक्षण होते हैं और क्या दिक्कतें हो सकती हैं आपको इसके साथ साथ। देखिए, जैसा कि हमने बताया, ये थूक की जो है गांठ होती है, तो ये सॉफ्ट होती है, यानी ये नरम होती है, कोई बहुत हार्ड नहीं होती है ज्यादातर, और ये यूजुअली पेनलेस होती है, यानी इसमें आपको दर्द नहीं रहता है, बट हाँ किसी केस में जो है इसमें दर्द भी हो सकता है। और जैसा कि हमने बताया, ये जीभ के नीचे हो सकती है या किसी केस में जो है ये नीचे भी जा सकती है, लटक सकती है, यानी इसका साइज जो है धीरे धीरे बढ़ सकता है। तो कई बार आपको जो है दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे सूजन देखने को मिल सकती है। तो ये इसके जो है डायग्नोसिस की जांच की, इसके लिए कौन सी जांचें की जाती हैं और कौन से टेस्ट इसके लिए जरूरी होते हैं। हम बात करें रैनुला, देखिए, जब भी पेशेंट खुद ही बता देते हैं कि उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि क्वाइट विजिबल होता है, अच्छे से दिखाई देता है, जीभ को आप उठाते हैं तो बड़ी सी जो है गांठ आपको दिखाई दे सकती है, यानी पेशेंट खुद भी बता देते हैं। बाकी इजिली डायग्नोसेबल है, जब आप डॉक्टर फिजिशियन के पास जाते हैं तो फिजिकल एग्जामिनेशन में भी क्लियर हो जाता है। बाकी ये देखने के लिए कि बीमारी कितना फैला हुआ है, उसके लिए सीटी स्कैन, एमआरआई और यूएसजी कर सकते हैं, ये इमेजिंग टेस्ट कर सकते हैं, किसी दूसरी बीमारी को निकालने के लिए कि कोई
कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है या फिर ये कहां तक जो है फैली हुई है, उनके लिए ये टेस्ट भी कर सकते हैं। बट यूजुअली ये वैसे ही डायग्नोस हो जाता है, कोई अदर टेस्ट इसके लिए रिक्वायर नहीं होते हैं, कोई जरूरी नहीं। बात करें इसके ट्रीटमेंट पार्ट की, तो ट्रीटमेंट हम पहले यहाँ पे जो है एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एलोपैथी में क्या किया जाता है, अगर आपका कोई भी चीज अगर स्वेलिंग हो जाती है, जैसे मान लो सलाइवा वहां पे इकट्ठा है, तो ड्रेनेज कर सकते हैं, यानी उसको निकाल सकते हैं, सुई डाल के जो है उसको निकाल सकते हैं। जितना सलाइवा होता है तो साइज में कहीं ना कहीं कमी आती है, एक ये कर सकते हैं। दूसरा ओपन सर्जरीज भी की जाती है कि मान लो अगर वो जो है ग्रंथि की वजह से अगर इतना नुकसान है तो उसको निकाल दिया जाना, उसको इनसाइज करके उसको निकाल भी सकते हैं। इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन रैनुला में कितनी इफेक्टिव है और कौन कौन से मेडिसिन हैं जो आप रैनुला में यूज कर सकते हैं। काफी पुराना है और बहुत हार्ड हो गया है वो, तो ऐसे केसेस में आप मग सॉल्ट होम्योपैथी मेडिसिन यूज कर सकते हैं। मग सॉल्ट, अब ये जो दवाइयां हैं आपको किसी भी कंपनी की मिल जाएं, कलर अलग हो सकता है, साइज कम हो सकता है, लेकिन आप दवा के नाम पे जाएं और पोटेंसी पे जाएं, 30 या 200 पावर में ही लें। बहुत ज्यादा हायर पोटेंसी में लेना बहुत जरूरी नहीं है, और ड्रॉपर की मदद से लें आप, एक एक दो दो बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले, और लगातार यूज करें कम से कम दो चार हफ्ते मेडिसिन यूज करें सेम पावर सेम पोटेंसी में। अगर आपको थोड़ा बहुत भी फर्क आए तो वही पावर आप कंटिन्यू करें, लगातार उसको यूज करें, और अगर आपको नहीं फर्क होता है तो वो जो अगर लक्षण मैच कर रहे हैं तो उसी दवा की पावर बढ़ा के भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप मग सॉल्ट यूज करें जब आपका सख्त हो जाता है, थोड़ा हार्ड स्वेलिंग हो जाता है। देखिए कैल्केरा काप आपने सुना भी होगा, कैल्केरा काप किसी बहुत ज्यादातर सूजन के केसेस में बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, किसी भी तरह की स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, और कैल्केरा काप सॉफ्ट सूजन में, यानी ये एक तरह का जो है नरम जो है सूजन रहती है, तो ऐसे केसेस में आप जो है कैल्केरा काप ले सकते हैं। कोशिश ये करें एक बार में एक ही दवा लें, सारी दवाइयां ना लें, और अपना केस समझने की कोशिश करें कि आपको किस तरीके का प्रॉब्लम है। अब कैल्केरा काप सेम वैसे लेना रहेगा, एक एक दो दो बूंदे सीधा जबान पे, मुंह साफ करके, पानी लेके मुंह कुल्ला करके दवा ले सकते हैं, दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। इन सभी दवाओं के लिंक अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाते हैं। थूजा की अगर हम बात करें, थूजा भी आपने सुना होगा, हर तरीके की गांठों में, स्किन प्रॉब्लम में कोई चीज जमा हो जाना, थूजा बहुत अच्छा काम करती है। थूजा रैनुला में भी बहुत अच्छा काम करता है, साथ साथ में आपको वो नसों की भी अगर कोई दिक्कत होती है तो थूजा काफी अच्छा काम करता है, तो आप थूजा भी ले सकते हैं। थूजा से वैसे क्लिनिकली बहुत केसेस ट्रीट किए जाते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इसका। देखिए एम्ब्राग्रेसिया भी मेडिसिन एक ऐसा इतना अच्छा मेडिसिन माना जाता है कि रैनुला के साथ साथ अगर आपको फिटेड ब्रेथ है, अगर आपके मुंह से स्मेल भी आती है, तो आप जो है एम्ब्राग्रेशिया ले सकते हैं। और उसके बाद एक और मेडिसिन आता है हाइड्रोफोबिनम लाइसिन, जिसको हम कहते हैं लाइसिन, भी एक बहुत अच्छा मेडिसिन माना जाता है रैनुला के केस। मान लो आपको बार बार रिकरेंस हो रहा है, आपका ठीक हो जाता है और फिर से बन जाता है, तो ऐसे केसेस में आप लाइसिन हाइड्रोफोबिनम भी ले सकते हैं। तो ये कुछ इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन, काफी मेडिसिन देखी जाती हैं। फॉस्फोरस मेडिसिन निकल के आता है, पल्सेटिला आता है, हमेशा ये देखा जाएगा कि इसके साथ और क्या अदर प्रॉब्लम है। अगर होम्योपैथी में अदर सिम्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा होम रेमेडीज की, यानी घर पे भी आप कैसे थोड़ा कुछ इसको रिलीफ कर सकते हैं। देखिए अगर सूजन होती है और प्लंज रैनुला होता है लटका हुआ, तो यहाँ पे सूजन हो जाती है, तो ऐसे केस में आप गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं, आपको दर्द में भी राहत मिलती है और सूजन में भी आराम पड़ता है। साथ में आपको एडवाइस किया जाता है कि आप खट्टी चीजें जो है खाएं, जैसे आप सिट्रस फ्रूट्स आप खाएं, मौसमी आप खा सकते हैं, ऑरेंज आप ले सकते हैं, और साथ में नींबू भी आपको बोला जाता है, अगर आप चूस पाते हैं, चबा पाते हैं, तो वो ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी चीज अगर जमा हुई होती है सलाइवरी ग्लैंड में, ग्रंथियों में, थूक बनाने वाली में, तो उनको घोलने का काम करते हैं। जैसे मान लो अगर वहां पे कोई स्टोन बन गया है तो उनको घोलने का काम करते हैं सिट्रस फ्रूट्स। तो ये वीडियो आपकी मदद कर सके, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल लगे तो प्लीज आप वीडियोस लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन घंटी जरूर दबाएं अपडेटेड रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, कीप वॉचिंग, कीप अपडेटिंग, थैंक यू।